हम तुम्हें बताते हैं कि डर क्या होता है। सारा सारा नहीं नहीं कभी हमें छोड़ो। रुक जा प्लीज 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 रुक जा सारा प्लीज रुक जा। तुम तो हक का साथ देते थे ना, तुम तो हक का साथ देते थे ना, तुम इस बातिल का साथ दोगे, तुम झूठ का साथ दोगे कबीरा। इन दो सालों में बहुत कुछ बदल गया। अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि इन दो सालों में कुछ नहीं बदला, तुम वैसी की वैसी ही हो। जितनी गिरी हुई थी आज भी उतनी ही गिरी हुई हो। हमारे सामने से हट जाओ, क्योंकि इसने हमारे अम्मा अप्पा के साथ जो किया उसकी सजा मिलेगी। कभी हमारे सामने से हटो। वजह है कोई वजह है जरा कोई वजह है प्लीज। अब तुम रुखसार की तरफदारी करोगे। सारा रुखसार को माफ कर दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हम अमान की कसम खा के कहते हैं, हमें नहीं पता था कि रुखसार किस इरादे से यहाँ आ रही है। अगर हमें पता होता हम उसे कभी यहाँ आने नहीं देते। उसे बच्चों आप माफी क्यों मांग रही हैं? हमने जो कुछ किया है हमने जानबूझ के किया है, और हम ये डंके की चोट पर कहते हैं। हमने तुम्हारे चेहरे से नकाब हटाना था और हमने नकाब हटा भी दिया। तुमने हम पर इसीलिए हमला किया ना, क्योंकि हमने तुम्हारा प्लान चौपट कर दिया। हमने सबके सामने जाहिर कर दिया कि तुम नरगिस नहीं हो। चुप चुप हो जा रुखसार, चुप नहीं होंगे चुप। अरे आप लोगों को तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, पैर धोकर पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमने आपकी भगौड़ी लड़की का पर्दाफाश कर दिया, जिसने आप लोगों के आंसू, आप लोगों का दुख, आप लोगों की तकलीफ, आप लोगों की हालत, आप लोगों की मजबूरी, आप लोगों की बेटी होने का फर्ज कुछ नहीं निभाया। न जाने किस मकसद से वहां पर अपनी जिंदगी बिता रही थी। तुम सिखाओगी हमें फर्ज, हम पे इल्जाम लगाओगी। अपने आप को देखा है, पूरी जिंदगी जिसके गुनाहों में बीती है ना, वो हमें फर्ज ना सिखाए और ना ही हम पे इल्जाम लगाए। एक माँ बेटी के दर्द के बारे में क्या जानती हो तुम? हमसे दूर रहो। हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह की निगेबानी में बीती है, उसके हदीस के हद में बीती है। हम अपने अम्मा अब्बा से दूर जरूर है, लेकिन कभी भी उनसे जुदा नहीं है। चल झूठी, हम नरगिस बनके जरूर जिए, लेकिन हम नहीं। रुखसार को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। और जीनत भाभी आप अपनी इस बहन को लेके जाएंगे। रुखसार चलो चलो चलो। हमें यहाँ आकर हमारे कारनामे के लिए तारीफ मिलेगी, इनाम मिलेगा, मगर यहाँ तो हमें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। सार चलो यहाँ से। सच कहें तो इस रुखसार का कुछ नहीं हो सकता, ये कभी नहीं सुधर सकती। सही कह रहे हैं पापा, रुखसार तो शायद जिंदगी में कभी नहीं बदल सकती, लेकिन हमारे शहर काजी साहब को क्या हुआ है? इनमें तो कुछ ज्यादा ही बदलाव आ गया। सारा हम लाग चाहे तब भी तुम्हें अपनी जिंदगी के इस पहलू के बारे में नहीं बता सकते। कबीर मियां, हमें भी आपका रवैया कुछ समझ में नहीं आया। सारा की नाराजगी एकदम सही है कि आपने रुखसार को क्यों बचाया?
सलाम अलैकुम सलमा भी। जसीम भाई आप सब खैरियत तो है? सब खैरियत। जरा बेटी आई हुई है, हम उसे मिलना चाहते हैं। हम फेल हो गए अम्मी जान, हम फेल हो गए। हमें एहसास तक नहीं हुआ कि हम इतने ज्यादा कमजोर हैं। आपने जो हम पर इतनी मेहनत की, हमें नसीहत दी, हमें सीख दी, हमारी नाउमीद जिंदगी में इतनी उम्मीदें भरी, हमने उस सब पे पानी फेर दिया। हम अपने जज्बात खो बैठे और अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं कर पाए। अम्मी जान, अगर आज कबीर बीच में नहीं आता ना, हम उस रुखसार को जान से मार डालते। हमसे ये कबूल करवाने के लिए कि हम जा रहे हैं, उसने हमारे अम्मा और अब्बा को खतरे में डाला। हम फेल हो गए अम्मी जान। ना मेरी बच्ची, ना, तुम फेल नहीं हुई हो। अभी भी अगर तुम्हारे मन में कुछ भी कहने को बचा है तो उसे कह डाल, अपनी अम्मा से, अब्बा से, कबीर से भी। अल्हम्दुलिल्लाह तुम फेल नहीं हुई हो, बल्कि तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज हुआ है। जारा, तुमसे कोई मिलने आया है बेटा? अम्मी जान, हम आपसे थोड़ी देर से बात करते हैं। खुदा हाफिज। जसीम चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे आप? कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। हम कोशिश कर रहे थे 2-3 महीनों से। बेटा जारा, आप जसीम चाचा के टच में कैसे? चाचा जान, माफ कीजिएगा, इन्हें आपको पहले से पता था कि जारा जिंदा है, और आपने किसी को नहीं बताया, ना हमें, ना काजी साहब को, ना खाला जान को। जी जसीम भाई, आपने ये सब क्यों छुपाया, क्यों नहीं बताया हमें? क्योंकि हमने जसीम चाचा को कसम दी थी, इसलिए। जी, हमने जारा को इस कसम के बारे में पूछा तो उसने कहा अल्लाह ने उसका रास्ता बदल दिया है, और अगर हमने इस कसम के बारे में आपको बताया तो अम्मा और अब्बा से अपना ताल्लुक तोड़ देगी। हमने भी सोचा चलो ठीक है, अल्लाह ने शायद आप लोगों के बीच में कड़ी बनने के लिए हमें रखा है, यही सही। अम्मा, हम एक अलग रास्ते पे जरूर थे, लेकिन हमें आप दोनों का ख्याल था। जसीम चाचा के जरिए हमने आप लोगों से कनेक्शन बनाया हुआ था। अब जसीम चाचा का सुपरमार्ट हमारे घर के सामने ही है, हम हर हफ्ते उन्हें फोन करते थे। जसीम भाई, हम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आते थे वो, ये कहकर कि वो आपके बेटे ने दुबई से भिजवाए हैं, वो हमारी जारा भिजवाती थी। वो हमेशा आपकी खैरियत लेती थी, यहां तक कि आपको देखने के लिए दरगाह में आपके पीछे चुप चुप के आया करती थी। हमारा मानना है कि ये असल में बहुत अच्छी खबर है। जारा इतने दिनों तक गायब थी, लेकिन नजर रख रही थी,
हम पर, और ख्याल भी कर रही थी। हमने तुम्हारे बारे में नहीं पूछा कभी। यहाँ तक कि जसीम चाचा ने बहुत बार बताने की भी कोशिश की, लेकिन हम हर बार रोक देते थे उन्हें। इतनी नाराज हो तुम? क्या किया हमने सारा? वो सब छोड़ो कबीर, हमने देखा आज कि कैसे तुमने उस झूठी रुखसार का साथ दिया। हमने जो किया वो ठीक ही किया। जो हुआ है वो तो पहली बार हुआ है, लेकिन जारा तो पहले से हमसे नाराज थी। क्यों? तू होगी बंटू टू पकड़िए बंटू टू, वो हो गई मुंडे दी पतंगा वारी की, तू एवे उड़ी दी वो हो गई मुंडे दी। क्या है ये सब रुखसार? तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो? 3 महीना हो चुका है, खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता तो क्या करते हैं? लेकिन तुम हमारी सुनती नहीं हो बिल्कुल। जो करना होता है खुद के मन के करती हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर कल को कुछ हो जाए तो आपने देखा, आज कभी कैसे हमारे आगे आगे हमें बचाने के लिए? जानती है क्यों बच्चो? इस बच्चे की वजह से। हम कह रहे हैं आपसे कि हमने कबीर की दुखती रग पकड़ ली है बच्चों। अब जारा जाए आए जिए मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अब हमें जारा से कोई खतरा नहीं है, बल्कि अब हम उसके लिए खतरा बन चुके हैं। यूं तो तेरी बख्शी हुई इस जिंदगी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने हमारी बेटी सारा हमें वापस लौटा दी। तेरी नेमतों और रहमतों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ परवरदिगार, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती। أشهد أن محمد الرسول الله يا رب العالمين، بس اتنی دعا ہے اب ہماری بیٹی ہماری آخری سانس تک ہمارے سامنے رہے، उसकी खुशी में हमारी खुशी रहे।
अल्लाह हमसे अनजाने में कोई खता हुई तो हमें माफ कर दे। हम जारा से पाक मोहब्बत करते हैं, उसके सिवा हमने किसी और को नहीं चाहा, हमें उसकी नफरत नहीं प्यार अता कर। उसके दिल में जो गलत फहमी है निकाल दे या रब। शैतान उस्तानी के चंगुल से छुट के फिर से अपने इस्लाम के रास्ते पर आ रही है। आगे कीजिए शहर काजी साहब। जरूर, मगर क्यों? किसलिए था? अरे आप अपने ही बनाए हुए नियम भूल गए? अब जब किसी नामहरम लड़की को गलती से भी छूते थे तो अपने हाथ धोते थे ना? आपको याद नहीं तो हम याद दिला देते। क्या आप इसी कमरे से हमारा हाथ पकड़ के हमें घसीटते हुए नीचे तक लेकर गए थे? हमें लगा जब ये भूल गए कि नामहरम का हाथ नहीं पकड़ना तो ये भी भूल गए होंगे कि हाथ धोना है। तो याद दिलाने से अच्छा है कि हम आपके हाथ खुद ही धुला दें। हाँ कभी, हम तुम्हारे लिए नामहरम हैं। तुम्हारा हम पे कोई हक नहीं है कि तुम हमारे कमरे में किसी भी वक्त चले आओ। कभी नहीं सोचा था कि तुम हमें नामहरम ठहराओगी ज़ारा। खैर हमें कहाँ बुरा लगा, ठीक है। जानना चाहती हूँ हमें बुरा क्यों नहीं लगेगा ज़ारा? कभी नहीं लगेगा, तुम्हारी किसी भी बात पे नहीं लगेगा ज़ारा, कुछ भी कर लो तुम। क्योंकि हमारे दिल के किसी भी कोने में ना तुम्हारे लिए कतरा भर परायापन नहीं है ज़ारा, सिर्फ तुम्हें चाहते हैं हम। तो हम जानते हैं ज़ारा कि तुम हमारे बिना नहीं रह पाओगी, हम तुम्हारी जिंदगी है। झूठ, हम झूठ नहीं बोलते। इन 2 सालों में ज़ारा ऐसा कोई पल नहीं गुजरा हो जहां हमने तुम्हें याद ना किया हो या खुदा से तुम्हें ना मांगा हो। कौन सा झूठ कह रहे हैं हम ज़ारा? ये भी झूठ है कबीर। हम झूठ नहीं बोलते, जानते हो तुम ये बात? सच तो बता चुके। कौन सा झूठ? चलो कौन सा झूठ बोल रहे हैं हम? तुम सब झूठ बोल रहे हो कबीर। कौन सा झूठ?
झूठ कि तुम हमसे मोहब्बत करते हो। हम सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के बारे में एक बात जानते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में ज़ारा नाम की लड़की है। इसका बीच सड़क पे तुमने हाथ पकड़ा था और तुमने उससे कहा था हम तुम्हें खोना नहीं चाहते।